किचन आज हम बनाएंगे मलाई पनीर। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, 2 रफली चॉप्ड अनियंस, 4 रफली चॉप्ड टमाटोज, 1/2 कप दही, 1/2 कप मलाई, 15 टू 20 काजू पीसेस, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल फॉर कुकिंग। सबसे पहले मिक्सी का जार लेंगे, इसमें रफली चॉप्ड अनियंस डालेंगे, रफली चॉप्ड टमाटोज, काजू डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने ग्राइंड कर लिया, अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे, अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे जो हमने ग्राइंड करी है, मिक्स कर लेंगे और सॉटे कर लेंगे। ग्रेवी सॉटे हो गई है, आप देख सकते हो इसके साइड में ऑयल भी आ गया है। अब इसमें हम दही डालेंगे, फ्लेम को हम लो कर लेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे, फ्लेम को लो मैंने इसलिए किया है कि दही फटेगी नहीं। अब इसको मिक्स कर लेंगे, दही को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम मलाई डालेंगे, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मलाई को भी हमने मिक्स कर दिया, अब इसमें हम मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैं बाद में यूज कर रही हूँ, इससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा, सॉल्ट, और इसको मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डालेंगे, पनीर डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 2 मिनट्स के लिए और कुक होने देंगे। 2 मिनट्स हो गए हैं, पनीर की सब्जी रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। हमारी आज की रेसिपी मलाई पनीर। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।